नमस्कार मित्रों आज मैं लेकर के आया हूँ वेद वन पार्क सेक्टर अठहत्तर नोएडा में और इसमें एंट्री करने के यूँ तो तीन मुख्य द्वार हैं लेकिन जिस द्वार से मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ ये वही रास्ता है इसमें से प्रवेश करेंगे और अंदर इस पार्क का नज़ारा भी लेंगे और इसका भ्रमण करते हुए जो भी अधिक से अधिक जानकारी होगी वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा तो जिस एंट्री गेट से मैंने यहाँ प्रवेश किया है इसमें ये पार्किंग का एरिया हैगा और काफ़ी बड़ा पार्किंग एरिया है यहाँ सामने से आप अपने टू व्हीलर या फोर व्हीलर को सामने यहाँ पर ला के पार्क कर सकते हैं और यहाँ पर अभी पार्किंग फीस नहीं लग रही है यहाँ से आगे बढ़ने पर जब हम इस ट्रैक पर चलना शुरू करते हैं तो ये कुछ सामने का नज़ारा देखने को आपको मिल जाएगा जब हम इस ट्रैक पर आगे बढ़ते हैं तो एक यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है युद्ध जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि ऋषि मुनि द्वारा किस तरह से क्षत्रियों को धनुर्विद्या का शिक्षा दी जाती थी इस पार्क में चलने के लिए दो ट्रैक बनाए गए हैं एक है जॉगिंग ट्रैक जिस पर आप जॉगिंग कर सकते हो और साथ में ही राइट हैंड साइड पर जो ऑरेंज सी पट्टी नज़र आ रही है वो है साइकिल ट्रैक खैर चलिए हम इसी ट्रैक पर बढ़ते हुए आगे चलते हैं और ये कुछ यहाँ पर ट्रैक पर ऊपर जो एरिया कवर किया गया है आसमान की ओर ये उसका नज़ारा था इसी ट्रैक पर चलते हुए आपको काम दहनु गाय के बारे में जानकारी भी पढ़ने को मिल जाएगी जो कि यहाँ पर पूरी तरह से विस्तृत जानकारी उसके बारे में दी गई है और इसी से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक बोर्ड पर ऋषिका के बारे में भी जानकारी दी गई है जिसको आप यहाँ स्क्रीन रोक करके पढ़ सकते हो जैसे ही हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर ये साइकिल ट्रैक भी देखने को मिलता है इस पर छोटे बच्चे साइकिल चलाते हुए पूरे पार्क को घूम सकते हैं और पार्क में साइकिल चलाने का आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं ये ट्रैक केवल साइकिलिंग चलाने वालों के लिए ही बनाया गया है पारक में हर ट्रैक के साइड पर दोनों तरफ इस तरह से खूबसूरत फूल वाले पौधे भी लगा रखे हैं जिन पर आकर्षक रंगों के फूल आए हुए हैं और इस पार्क के चारों ओर बहुत ही ऊंची-ऊंची इमारतें आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि इस पारक की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती हैं पारक के चारों ओर इस तरह का नज़ारा देखने के लिए आपको शायद और कहीं नहीं सिर्फ यहीं और यहीं पर मिलेगा पारक की खूबसूरती के साथ साथ आप साथ में जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं वो भी आप यहाँ पर भली ही देख सकते हो कि कितनी ऊंची-ऊंची यहाँ पर इमारतें बनी हुई हैं आगे बढ़ने पर हम एक ऐसा स्कल्पचर देखेंगे जो कि जीव जंतुओं को बचाने के प्रयास के बारे में दर्शाया गया है यही वो स्कल्पचर है का। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम एक ऐसे जोन में एंट्री करते हैं जिसको नाम दिया गया है ऋषि भारद्वाज जी हाँ दोस्तों जो सात ऋषियों के नाम पर ये पार्क की स्थापना की गई है उनमें ये एक हैंगे और इस जोन में आपको औषधीय पौधे जड़ी बूटियाँ आदि आपको यहाँ नाम के साथ देखने के लिए उदाहरण के तौर पर मिल जाएंगी कि कौन सी औषधि किस काम आती थी और उसका क्या नाम हुआ करता था वही सब यहाँ पर पौधे और उनके नाम के बोर्ड लगा करके आज की पीढ़ी को दिखाने और बताने के लिए उसका ज्ञान समझने के लिए यहाँ पे दर्शाई गई हैं आशा है कि इस तरह की ये जानकारी इस पार्क में हमेशा के लिए यहाँ पर बनी रहेगी और ये कुछ पौधों के नाम हैं जो कि आप भी स्क्रीन पर अपनी पढ़ पाएंगे और उनको देख पाएंगे ये कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ होती थी जो आगे किसी का भी जीवन बचाने में काम आती थी आगे बढ़ने पर यहाँ पर आपको एक ऐसी प्रतिमा ऋषि मुनि जी की मिलेगी देखने को जो सामने से तो बिल्कुल अंतर ध्यान दिखाई देती है लेकिन जब हम उसके चारों ओर घूमना शुरू करते हैं तो वह पूरी तरह से हमें दिखाई देनी शुरू हो जाती है यह मूर्ति ऐसी लगती है कि जैसे ऋषि मुनियों के बारे में कहा जाता था कि वह पूजा करते समय अपनी तपस्या करते समय अंतर ध्यान हो जाते थे तो यदि हम इनको सामने से देखें या इनके पीठ पीछे जाकर के सामने का नज़ारा देखने की कोशिश करें तो इस मूर्ति को गायब होता हुआ प्रतीत करेंगे और जैसे ही हम इसके लेफ्ट राइट आते हैं तो यह है, स्टील की पत्तियों से बनाई गई ऋषि की मूर्ति हमें समक्ष रूप से दिखाई देने लग जाती है वो तो बहुत ही अद्भुत मूर्ति ये यह यहाँ पर लगाई गई है और आगे बढ़ने पर हमारे को एक कल्प वृक्ष भी देखने को मिलता है इस कल्प वृक्ष का नाम हमने सुना तो जरूर होगा लेकिन साक्षात देखने के लिए इसी पार्क में आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और जब हम और आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें गुरुकुल के बारे में जानकारी दी गई है कि प्राचीन समय में गुरुओं द्वारा ऋषि मुनियों द्वारा अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार से बैठा करके उनको शिक्षा का और दीक्षा का ज्ञान दिया जाता था उनको पढ़ाई कैसे कराई जाती थी वही सब यहाँ पर एक स्कल्पचर के जरिए संदेश आज की युवा पीढ़ी को हम लोगों को हम दर्शकों को जताने की बताने की समझाने की पूरी तरह से कोशिश की गई है देखने में यह स्कल्पचर भी बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है और यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग अपनी अपनी फ़ोटो सेल्फ़ी वगैरह करवा रहे हैं जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है ऋषि वशिष्ठ का जोन और इस ज़ोन में आपको महर्षि वशिष्ठ के बारे में जानकारियां तो मिलेंगी ही और इस जोन में एक आपको अश्वमेघ के बारे में भी जानकारी दी गई है कि जब कोई राजा किसी भी राज्य में जाए बिना युद्ध लड़े बिना कोई युद्ध का घोषणा करता था तो वह एक अपना अश्व छोड़ दिया करता था कि जो भी कोई उसके अश्व को पकड़ लेगा तो उसको उस राजा से युद्ध करना पड़ेगा और जो राजा इस अश्व को नहीं पकड़ेगा इसका अर्थ यह माना जाता था कि उस राजा ने अश्वमेघ करने वाले राजा की दास्ता को स्वीकार कर लिया गया है पार्क में एक छोटा जिम भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें छोटे बच्चे महिलाएं बूढ़े जवान सभी यहां पर आपको जिम करते हुए खुले आसमान के नीचे जिम योगा करते हुए देखने को मिल जाएंगे यहां आपको मनुष्य के जीवन में आने वाले चार प्रकार के जो उसके संयोग होते हैं वो दर्शाए गए हैं स्तंभ के रूप में इस बोर्ड पर ऋषि गौतम द्वारा जो भी पौराणिक समय में अपना ज्ञान दिया गया है उसके बारे में संक्षिप्त रूप में जानकारी दी गई है और ये जोन उन्हीं के नाम पर बनाया गया है इस जोन पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आगे एक बोर्ड मेरे को देखने को मिलता है जिस बोर्ड पर लिखा हुआ है गायत्री मंत्र और यहाँ गायत्री मंत्र के बारे में पूरी जानकारी तो दी ही गई है साथ में एक यहाँ पर उसकी एक स्टील वाली बॉल जैसा बना रखा है जिस पर गायत्री मंत्र में आने वाले सभी अक्षरों का बखूबी वर्णन किया गया है और ये गायत्री मंत्र की बॉल चारों तरफ से देखने में देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है जो कि इस पारक की खूबसूरती में चार चाँद लगाती है अगर ये कहा जाए तो बहुत ही सुंदर वाक्य यहाँ पर प्रतीत होता है और इस पार्क में जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखने के लिए प्राकृतिक नज़ारे तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे साथ ही साथ पार्क के चारों ओर जो ऊंची-ऊंची इमारतें बनी हुई हैं वह भी पूरी रोशनी से जगमगा उठी हैं रात का दृश्य बहुत ही इस समय मनोरम लग रहा है आगे आने पर यहाँ हमें देखने को मिलता है ऋषि विश्वामित्र का जोन ऋषि विश्वामित्र ने अपना जो भी सहयोग वेदों को रचने में दिया वो यहाँ पर उसकी जानकारी भी दी गई हैगी इन सभी महान ऋषियों द्वारा जो चार वेदों की रचना की गई उनके बारे में यहाँ पर उनके नाम सहित संक्षिप्त जानकारी भी यहाँ बोर्ड पर मिल जाएगी पहला वेद वेद, दूसरा वेद सामवेद और तीसरा वेद यजुर्वेद और चौथा वेद ऋग्वेद ये चारों वेदों के बारे में यहाँ पर संक्षिप्त जानकारी पढ़ने को मिलती है और पार्क में एक ये डिज़ाइन भी बोर्ड पर लगाया गया है कि किस दिशा में क्या चीज़ हम देख पाएंगे चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले जोन में इस जोन का नाम है ऋषि अगस्त और उनके जीवन के बारे में भी यहाँ पर बोर्ड पर संक्षिप्त जानकारी जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर पूरी रूप से पढ़ने को मिल जाती हैं ऋषि अगस्त का यह स्टील फ्रेम से बना स्कल्पचर सबसे विशाल हैगा जो देखने में आपको यहाँ स्क्रीन पर बहुत ही खूबसूरत लगेगा हालांकि यहाँ सफाई चलने की वजह से इस फाउंटेन को अभी बंद किया गया है और यहीं पर लाइट एंड लेजर शो का भी कार्यक्रम चलता है जो कि बिल्कुल मुफ्त होता है और ये सामने यहाँ पब्लिक इस सीढ़ी नुमा हॉल में बैठ के इस लाइट एंड शो का नज़ारा लेती है लेकिन क्योंकि अभी यह 22 सितंबर तक साफ सफ़ाई अभियान चलने की वजह से यहां पर इस कार्यक्रम को 22 सितंबर तक के लिए बंद किया हुआ है ये सभी फाउंटेन 22 सितंबर के बाद ही चलेंगे और जब ये चलेंगे तो ये दृश्य कुछ अलग ही मनोरम नज़ारा हम सबको दिखाई देगा और चलिए आगे बढ़ते हैं आप पारक के साथ साथ एक जो ट्रैक अंदर चल रहा है उसमें अंदर चलते हैं और जब हम पारक के इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हमारे को पारक के एक दूसरी तरफ बहुत ही छोटा मगर खूबसूरत सा मंदिर देखने को मिलेगा इस मंदिर में माता रानी की मूर्ति को स्थापित किया हुआ है रात के समय यह मंदिर रोशनी में पूरी तरह से जगमगा रहा है और देखने में बहुत ही खूबसूरत प्रतीत हो रहा है आइए मित्रों अब हमने यहाँ मंदिर के भी दर्शन कर लिए हैं और पार्क में अब आगे की ओर बढ़ते हैं और चलते हैं इस प्राकृतिक झील की तरफ जो कि यहाँ पार्क के बीचों बीच में बनाई गई है इस झील को एक तरफ से दूसरी तरफ पार करने के लिए इसमें दो छोटे छोटे ब्रिज भी बनाए गए हैं उन ब्रिजों की सहायता से हम झील के एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं पर क्योंकि अभी यहाँ साफ़ सफ़ाई का कार्यक्रम चल रहा है उस वजह से यह झील बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है और यहाँ पर अब आगे बढ़ने पर हमारे को देखने को मिलेगा ऋषि अत्री का साइन बोर्ड और यहाँ ऋषि अत्री के साइन बोर्ड के साथ ही एक स्कल्पचर देखने को मिलता है जिस पर भारतीय योगा के बारे में जानकारी दी गई है उससे संबंधित स्कल्पचर को बना कर के लगाया गया है और योगा के बारे में आज की युवा पीढ़ी को संदेश पहुंचाने की पूरी तरह से कोशिश की गई है अगला स्कल्पचर देखने को मिलता है जो कि दान की मुद्रा में यहाँ पर बना कर के लगाया गया है और दान के महत्व को इस स्कल्पचर के जरिए समझाने की कोशिश की गई है जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो एक माँ और उसकी संतान का ममता मई स्टैचू बना कर के यहाँ लगाया गया है और उससे और आगे बढ़ने पर एक और स्कल्पचर देखने को मिलता है जो कि स्टील की पत्तियों से बना हुआ है और इसमें बैठे हुए ध्यान में ध्यान मुद्रा में ऋषि को दर्शाया गया है और ये भी पहले वाले स्कल्पचर की तरह जैसा ही है जो कि सामने से देखने पर हमारे को नज़र नहीं आता लेकिन जब हम उसके दाएं और बाएं घूमने के घूमते हुए जाते हैं तो यह स्कल्पचर पूरी तरह से हमारे समक्ष आ जाता है पार्क में ही एक बड़ा विशाल बोर्ड लगा हुआ है जिसमें पाई के बारे में जानकारी दी गई है और पाई के महत्व को समझाया गया है हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषा में तो पाई के बारे में भी अगर आप पूरी जानकारी पढ़ना चाहें समझना चाहें तो यहाँ स्क्रीन को रोक करके उसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं पार्क के बीचों बीच में हरी और मुलायम घास के मैदान भी हैं जिनमें आप बैठकर या उसमें नंगे पांव घूमकर उस घास का लाभ प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने यह वीडियो में आपको इस वेद वन के बारे में थोड़ी बहुत जो भी जानकारी वहां पर पढ़कर देखकर बता सकता था वो बताने की पूरी कोशिश करी है और अब हमने यह पार्क घूम लिया है तो अब हमारा इस पार्क से बाहर जाने का समय हो गया है आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपने यह वीडियो पसंद की हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को शेयर करना मिलेंगे किसी और अगली वीडियो में धन्यवाद